दोस्तों, इस वीडियो में हम सोल लैंड 2 के आगे की कहानी को कंटिन्यू करने वाले हैं, इसीलिए वीडियो के एंड तक बने रहना। अगर आपने अभी तक इसके पहले पार्ट को नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक को कमेंट बॉक्स में पिन किया है, इसलिए उसे भी एक बार जरूर देख लेना। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें हुआ युहाओ और वोंगडोंग को स्कूल के बाहर चक्कर लगाते हुए दिखाते हैं, जहां वोंगडोंग और हुआ युहाओ आर्मर पहन करके दौड़ने की वजह से काफी थक चुके होते हैं। वही क्लास के खत्म होते ही हम देखते हैं सीओ सीओ भी वहां पर पहुंच जाती है और बताती है टीचर उन्हें टॉप 6 अपोनेंट्स के बारे में हमें कुछ बताया है, जिसकी वजह से हमारे लिए चैंपियनशिप को जितना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। वही अगर हमारे अलावा 5 टीमों की बात करें तो 3 टीम ऐसी है जिनमें से एक सोल मास्टर ऐसा है जिनके पास 3 सोल रिंग्स हैं। इधर यह सुनकर के वोंगडोंग और हुआ युहाओ थोड़ा बहुत हैरान होते हैं, जिस पर सीओ सीओ बताती है उनकी वजह से टीचर को ऐसा लगता है हम लोग चैंपियनशिप नहीं जीत सकते हैं, इसलिए क्या हमें चैंपियनशिप में 4th पोजीशन के लिए ट्राई करना चाहिए। ये सुनकर के हुआ युहाओ कहता है सीओ सीओ मैं तुम्हारी चिंता को समझ रहा हूँ, लेकिन कभी मास्टर्स के बीच का बैटल केवल उनके सोलर पावर के ऊपर ही नहीं डिपेंड करता है, जिसकी वजह से हमें खुद के ऊपर विश्वास रखते हुए चैंपियनशिप में टॉप पोजीशन के लिए ट्राई करना चाहिए। इसके बाद हमें रात के समय का सीन दिखाते हैं जिसमें हुआ युहाओ वोंगडोंग से कहता है क्या हम लोग जीत सकते हैं। तब वोंगडोंग कहता है आखिर में जब तुम सीओ सीओ को मोटिवेट कर रहे थे तब तो तुमने बहुत सारे बातें कही थी। ये सुनकर के हुआ युहाओ कहता है मुझे बिल्कुल भी इस बात में कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं जीत सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम लोग अपने मार्शल सोल फ्यूजन स्किल को कंप्लीट कर लिया तो हमारे लिए चैंपियनशिप को जितना आसान हो जाएगा। ये सुनकर के वोंगडोंग थोड़ा सा नर्वस होते हुए बताता है मेरे ख्याल से कल रात हमारी सोल पावर अच्छी तरह से फ्यूज हो गई थी, इसलिए क्या तुम वैसा कुछ फिर से ट्राई करना चाहते हो। इधर हुआ युहाओ सोचता है स्काई ड्रीम ने कहा था वो वोंगडोंग के साथ 100% फ्यूजन स्किल क्रिएट कर सकता है, इसलिए हुआ युहाओ सीधा वोंगडोंग से फिर से ट्राई करने के लिए कहता है, जिस पर हम देखते हैं कि वोंगडोंग थोड़ा बहुत हिचकिचा था तो है, पर लास्ट में वह हुआ युहाओ के साथ फ्यूजन स्किल को ट्राई करने लगता है। वही यह लोग स्टार्टिंग में अपनी सोल पावर को पूरी तरह से एक दूसरे के साथ मैच करते हैं, जिसके बाद ये लोग एक दूसरे की मार्शल सोल्स को फ्यूज करने के लिए अपने अपने मार्शल सोल्स को रिलीज करते हैं। इधर ऐसा होते ही वोंगडोंग नोटिस करता है उसके मार्शल सोल पूरी तरह से फिजिकल फॉर्म ले रही है, जिसके बाद वोंगडोंग अपने बटरफ्लाई विंग्स का इस्तेमाल करते हुए हुआ युहाओ को भी अपने साथ लेकर के हवा में जाने लगता है। वही इस प्रोसेस में वहाँ पर कई सारी स्पिरिचुअल एनर्जी भी रिलीज हो रही होती है। तभी हम देखते हैं कि इनका मार्शल सोल फ्यूजन स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से वोंगडोंग अब अपने कॉन्शियस को कंट्रोल नहीं कर पाता है, लेकिन उसके बटरफ्लाई मार्शल सोल हुआ युहाओ के स्पिरिचुअली आई के साथ मर्ज होने की कोशिश करने लगती है, जिसके बाद लास्ट में इन लोगों का फ्यूजन कम्प्लीट हो जाता है। लेकिन ऐसा होने के बाद ये लोग वहीं पर तुरंत बेहोश हो जाते हैं। तब हमें सीधा अगले दिन का सीन दिखाते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि हुआ युहाओ और वोंगडोंग अभी भी बेहोश होते हैं, लेकिन जैसे ही वोंगडोंग होश में आकर के देखता है हुआ युहाओ उसके ऊपर बेहोश है, वो उसे जगाते हुए अपने ऊपर से हटता है। इधर हुआ युहाओ जागते ही कुछ देख करके हैरान हो जाता है और जल्दी से वोंगडोंग को देखने के लिए कहता है। तब वोंगडोंग यहाँ की नजरों को देख करके हैरान होते हुए हुआ युहाओ से सकता है शायद ये हमारे मार्शल सोल फ्यूजन स्किल की वजह से हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं कि टीचर भी इन लोगों को ढूंढते हुए गुस्से में वहाँ पर पहुँच जाती है और गुस्से में कहती है तुम लोग पिछले 2 दिनों से लगातार लेट हो रहे हो, इसलिए ऐसा लगता है कि तुम लोग फर्स्ट राउंड चैंपियनशिप जीतने के बाद खुद को कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर रहे हो। इसके बाद वो हुआ युहाओ और वोंगडोंग से कहती है तुम लोग मुझे एक बार में एक्सप्लेन करो कि मैं तुम लोगों को पनिशमेंट क्यों ना दूं। ये सुनकर के वोंगडोंग और हुआ युहाओ दोनों ही अपने मार्शल सोल फ्यूजन स्किल के इम्पैक्ट को दिखा देते हैं, जिसे देख करके टीचर भी हैरान होते हुए सोचती है इन दोनों ने इतने कम टाइम में प्रैक्टिस करके मार्शल सोल फ्यूजन स्किल को भी क्रिएट कर लिया। वही हैरानी की बात है कि इतने कम टाइम में ये लोग सक्सेसफुल भी हो गए। इसके बाद टीचर उन लोगों से पूछती है क्या तुम लोगों ने इस स्किल का कोई नाम रखा है। इधर यह सुन करके ये दोनों ही अपने स्किल का नाम रोड ऑफ गोल्ड रख देते हैं। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के अरीना में चला आता है, जहां पर हम देखते हैं श्रेक स्कूल का एलिमिनेशन राउंड स्टार्ट हो जाता है। ऊपर से हुआ युहाओ की टीम का पहले मैच निंगटियन की टीम के साथ होता है। इस पर हुआ युहाओ की टीम अरीना में मैच के लिए जाने लगता है। तब हमें उनके अपोनेंट टीम को दिखाते हैं, जिसमें लर्निंग टीम के अलावा 2 और लड़कियां होती हैं। इसी बीच हम देखते हैं टीचर के पास एक और दूसरी टीचर आ करके कहती है
मैंने सुना है कि तुम्हारे क्लास में केवल एक ही टीम ऐसी है जिसने अपने सभी मैच को जीता है, लेकिन अब दुख की बात यह है कि उन लोगों का सामना मेरी टीम के साथ हो रहा है। इधर इस पर टीचर कहती है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी टीम इतनी आसानी से जीत जाएगी? तब ये दूसरी टीचर कहती है, मैं इस बात से पक्का नहीं हूँ कि मेरी टीम जीत जाएगी या नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि तुम्हारे टीम में किसी के पास भी 3 सोल रिंग्स नहीं है, इसलिए क्या तुम इस फाइट पर बेट लगाना चाहोगी? ये सुन करके टीचर इस मैच पर एक सोल बोन के बेट लगा लेती है। इधर हुआ युहाओ की टीम अपने बारे में बताती है, हुआ युहाओ लेवल 17 का सोल मास्टर है, वही वोंगडोंग लेवल 24 का सोल मास्टर है, वही सीओसीओ लेवल 22 की कंट्रोल टाइप सोल मास्टर है। ये सुन करके अपोनेंट की टीम के लड़कियां बताती है, उनमें से एक लेवल 22 की सोल मास्टर है और दूसरी लेवल 24 की अटैकिंग सोल मास्टर है। इधर यह सुन करके वोंगडोंग सोचता है, इनमें से एक ऑलरेडी वोंगडोंग से ज्यादा सोल पावर कंट्रोल करती है, पर तभी हमें निंग टियन के बारे में बताते हैं, वो लेवल 31 का सपोर्ट टाइप सोल मास्टर है। इधर हम देखते हैं कि लेवल 31 सपोर्ट टाइप सोल मास्टर सुनकर के सभी लोग हैरान होते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि अब यह मैच स्टार्ट हो जाता है, जिस पर वोंगडोंग और सीओसीओ सबसे पहले सपोर्ट टाइप सोल मास्टर निंग टियन को नॉकआउट करने की सोचती है, लेकिन जैसे ही निंग टियन अपना मार्शल सोल 7 ट्रेजर बागुरा को रिलीज करता है, टीचर भी हैरान होते हुए सोचती है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि निंग टियन कलर 9 कलर्स गॉडेस रोंगरोंग की तरह ही है, ऊपर से यह हमारे डोलू कॉन्टिनेंट के फर्स्ट सपोर्ट ब्रांच मार्शल सोल है। इधर निंग टियन अपने पैगोडा का इस्तेमाल करते हुए उन लड़कियों की स्पीड और स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देता है। इस पर हम देखते हैं कि वो लड़की अपने 40% बढ़ी हुई स्पीड के साथ अटैक करना स्टार्ट कर देती है, ऊपर से इन लोगों के मार्शल सोल भी काफी ज्यादा पावरफुल होती है, जिसके वजह से ये लोग देखते ही देखते वोंगडोंग और सीओसीओ के ऊपर डोमिनेट करने लगते हैं। वही जब वह लोग हुआ युहाओ के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, तब वो अपने स्पिरिचुअल आइज का इस्तेमाल करते हुए उन सभी लोगों को अटैक्स को डोज करता है। इधर वो दूसरी टीचर हुआ युहाओ के टीचर से कहती है, मेरे ख्याल से तुम 7 ट्रेजर पगोरा क्लैन इसको अच्छे से जानती हो, इसलिए तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं है। निंग टियन की वजह से उसके टीम के दोनों मेंबर्स के स्पीड और स्ट्रेंथ के अलावा बाकी अट्रीब्यूट्स भी 10% इंक्रीज हो गए हैं। इधर हम देखते हैं कि अचानक निंग टियन की टीम की एक मेंबर हुआ युहाओ को हिट करने ही वाली होती है, और इसी के साथ हमारा एपिसोड यही पर एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।